गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुमसराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। सिवान का नंबर वन यूट्यूब चैनल सिवान न्यूज और मैं हूँ अमित। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान के बसंतपुर से आ रही है, जहाँ बसंतपुर के बसावत पंचायत से 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद हैं बसाव पंचायत के मुखिया संजय भारद्वाज जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर कहां से पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कहां से वे लोग आए थे। सबसे पहले आप बताएं कि कहां से वे लोग आए थे। ये सारे लोग नगरी बसाव टोला नगरी के निवासी हैं, और इसमें जितने जेंट्स पर्सन हैं सारे लोग सूरत से आए, और इन लोगों का यहाँ आगमन हुआ था अपने यहाँ ब्लॉक में 1 को इनका सैंपल गया था। इन लोगों का आगमन हुआ था लगभग 26-27 तारीख को। इन लोगों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया था, और वहाँ से ये लोग होम क्वारंटाइन में थे। 1 तारीख को इन लोगों को शिकायत थोड़ा सा महसूस हुआ, अपना ये लोग खबर किए और स्वास्थ्य विभाग को बताया गया, तो उन लोगों का सैंपल लेने के लिए जो अपने यहाँ आइसोलेशन सेंटर प्रखंड स्तरीय बना हुआ है लहेजी मध्य विद्यालय, वहाँ ये लोग गए। वहाँ जाने के बाद से इन लोगों को सैंपल लिया गया और इन लोगों को घर भेज दिया गया। अपने घर आए हैं लोग, कल रिपोर्ट आया है, तो जिसमें 9 लोग एक ही जगह के रहने वाले पॉजिटिव पाए। क्वारंटीन ये लोग जो पॉजिटिव मिले हैं उसके बाद क्या किया जा रहा है, पंचायत को सील किया जा रहा है, क्या होगा? कंटेनमेंट जोन की जितनी प्रक्रियाएँ होती हैं उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, पंचायत को सील किया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मौसम का अभी मिजाज देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोगों का, नहीं तो अब तक पंचायत को सील कर दिया जाता। क्या अपील रहेगी लोगों से, क्या करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्या अपील रहेगी? अब अपील सारे लोगों से मेरी रहेगी, लोगों के साथ साथ मेरे जितने लोग जानने वाले इस प्रखंड में हैं, मैं जितने लोगों को जानता हूँ सारे लोगों से मेरी अपील रहेगी, अपने अपने घरों में रहें। अब बिल्कुल सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जो भी इस संकट की घड़ी में अपने आप को ज़्यादा एग्रेसिव होगा उसको उसके साथ उसके परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए मैं सारे लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सारे लोग अपने होम क्वारंटीन को पूर्णतः पालन करें और कहीं नहीं जाएं। और सरकार से मेरी यह विनती है, प्रार्थना है कि पूरे बसंतपुर प्रखंड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए, इसलिए कि लगभग ऑलमोस्ट सारे पंचायतों में मरीज मिल चुके हैं होम क्वारंटाइन वाले। तो होम क्वारंटाइन वाले मिले हैं और हम लोग देहात में रहते हैं, हम लोग होम क्वारंटीन का कितना पालन कर रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो मेरी यह सरकार से विनती रहेगी कि सारे लोग पूरे ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए।